दोस्तों आजकल WhatsApp पे आपने फोटो का स्टिकर भेजना बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, ट्रेंडिंग में है। दोस्तों आप लोग देख रहे हो, बहुत लोग हैं अपने फोटो का स्टिकर बना के WhatsApp में सेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख के चौंक जा रहे हो कि दोस्तों वो ऐसा कैसे बना रहा है। हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो पे आपको वैसा ही स्टिकर आप कैसे बना सकते हो वो बताऊंगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे स्टिकर बनाकर WhatsApp में भेजते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट रखता हूँ, प्लीज़ दोस्तों पूरा कर दीजिए। हम लोग एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, क्या करते हो यार। लाइक एक जरूर कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए एंड आके मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आके मेरे साथ बात कीजिए एंड चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये काम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नेम है डब्लू इमोजी। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कीजिए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट स्टिकर, माई स्टिकर। दोस्तों माई स्टिकर पे क्लिक करके आप अपने जो स्टिकर बनाया है वो देख सकते हो एंड क्रिएट स्टिकर पे क्लिक करके आप स्टिकर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्रिएट स्टिकर पे क्लिक कर दीजिए आप। दोस्तों इधर आपको नीचे पे बहुत ऑप्शन मिलेगा, फोटो, इमोजी, स्टिकर, टेक्स्ट एंड कट। तो कट पे क्लिक करके इधर दोस्तों आप गैलरी से फोटो लेके उसको क्रॉप करके स्टिकर बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपली एल्बम पे जाना है और आपको अपना एक फ़ोटो लेना है। जैसे कि मैं इधर से इस फोटो को लिया, आप देखिए दोस्तों इसको आप क्रॉप कर सकते हो स्क्वायर में एंड सर्कल में, एंड दोस्तों इसको आप पूरा कट भी सकते हो, पूरा एकदम इमोजी बना सकते हो इसको। तो ऐसे आपको इसको कट करके इमोजी बनाना बनाना है एंड इधर क्रॉप पे क्लिक करके ये इमोजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक इमोजी हो जाएगा, तो इधर आप टेक्स्ट जोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों चलिए मैं आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फोटो के ऊपर सिंपली टेक्स्ट करके दिखाऊंगा, आप चाहे तो इसको कर सकते हो। तो आपको सिंपली फोटो के ऊपर टैप करके अपने गैलरी पे जाना है, जाके आपको फोटो लेना है। तो चलिए मैं उस फोटो को ही लेता हूँ, देन आपको ऐसे फोटो को लेना है। देन आपको नीचे पे देखिए दोस्तों इसको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको इस फोटो के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख देना है। जैसे कि मैं इधर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं इधर वाव लिख देता हूँ, ठीक है। तो वाव लिख के मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों वाव लिख के राइट कर देना है आपको, देन देखिए ऐसा आ जाएगा। तो अब आपने जैसा लिख लेना, आपने जैसा स्टिकर बना लेना, ठीक है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों सेव पे क्लिक करके येस कर दीजिए एंड इधर प्लस बटन पे क्लिक करके आप कुछ नेम दीजिए इस इमोजी का, तो नेम दे के सेव कर दीजिए। देन दोस्तों सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा, आप चलिए सिंपली बैक कर दीजिए। तो फिर से आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद माई स्टिकर पे जाइए, देखिए ये आ गया। अब सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करके इधर इसको ऐड कर लीजिए, तो ये व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप को ओपन करके। तो मैं इधर से इस व्हाट्सएप को ओपन किया एंड दोस्तों चलिए मैं एक चैट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर से मैं इमोजी के ऑप्शन पे जाके आपको वो इमोजी दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। तो दोस्तों आप अपने जैसा बना लेना। तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही आपको बताना था, सो वीडियो को प्लीज़ 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो पे फिर से मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।